नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्टेंट्स। यहाँ पर हम जब टेबल का क्रिएशन करते हैं तो हम उसमें कई प्रकार के कंस्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो दो कंस्टेंट्स हैं, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, इनको हमने की कंसेप्ट पर इंसर्ट किया था या यूज़ किया था। ये दोनों कीज जो हैं वो एज अ कंस्टेंट भी यूज़ होती हैं। कंस्टेंट्स मीन्स किसी भी टेबल के कॉलम के ऊपर लगने वाले कुछ रूल्स का सेट होता है, जिसमें से प्राइमरी की एंड फॉरेन की को हमने की कंसेप्ट में भी देखा था। यहाँ पर देखिए, मैं एक टेबल बना रही हूँ, क्रिएट टेबल ट्राई वन, जिस पर मैंने आईडी नंबर टाइप का एक कॉलम लिया है जिसकी विड्थ है 5, और उस पर मैंने प्राइमरी की कंस्टेंट को यूज़ किया है। यहाँ पर प्राइमरी की कंस्टेंट लगाने पर आईडी कॉलम पर ना तो हम नल ले पाएंगे और ना ही हम डुप्लीकेट ले पाएंगे। सेकंड जो मेरा कॉलम है, दैट इज़ डेप्थ आईडी, न्यूमेरिक फील्ड पर मैंने लिया है, इसका विड्थ है 5। इसके लिए मैंने रेफरेंसेस लिया है आपकी स्टूडेंट टेबल का। दैट मीन्स स्टूडेंट जो है, मेरे पास एक पुराना बना हुआ डेटाबेस है जिस पर आईडी नंबर 5 के साथ एक कॉलम डिस्क्राइब है जिस पर प्राइमरी की ऑलरेडी बना हुआ है। रेफरेंस कंस्टेंट जब हम यूज़ करते हैं, या हम इसको जब फॉरेन की कंस्टेंट बोलते हैं, तो यह प्राइमरी की को बेस करके बनता है, लेकिन प्राइमरी की के दोनों रूल नॉट नल एंड यूनिक को फॉलो नहीं करता है। मीन्स आपके डेप्ट आईडी पर टेबल, डेप्ट आईडी कॉलम पर जो डेटा है वह नल भी हो सकता है और डुप्लीकेट भी हो सकता है। देन मैंने एक नॉर्मल कॉलम लिया है, नेम वेयर कैर 30। यह तो एक नॉर्मल कॉलम है, इस पर मैंने कोई भी कंस्टेंट यूज़ नहीं किया है। देन है सैलरी नंबर 10.2, मीन्स हम इसमें 8 डिजिट की कोई भी सैलरी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस पर एक कंस्टेंट लिया है नॉट नल, मतलब यह जो सैलरी कॉलम है यह मेरा नल नहीं हो सकता। बट जिस तरीके से प्राइमरी की हम लेते हैं तो उसमें नॉट नल एंड यूनिक दोनों वर्क करता है, लेकिन हम नॉट नल कंसेप्ट लेंगे तो यहाँ पर सैलरी कॉलम आपका नल नहीं हो सकता, लेकिन वो डुप्लीकेट हो सकता है। यहाँ पर हम डुप्लीकेसी के लिए कोई भी कंस्टेंट नहीं लगा रहे हैं। देन उसके बाद मैंने लिया है आपका डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम जो मैं ले रही हूँ वह आपका, देखिए, मैंने 15 विड्थ के साथ लिया है और इसको मैंने यूनिक कंस्टेंट पर वर्क किया है। यह जो है वह यूनिकली बिहेव करेगा, मतलब डिपार्टमेंट नेम जो कॉलम रहेगा उस पर मैं डुप्लीकेट डेटा नहीं ले सकती, लेकिन मेरा डेटा नल हो सकता है। मतलब हमने जो प्राइमरी की जो कंस्टेंट या जो की कंसेप्ट यूज़ किया था उसमें डुप्लीकेट एंड नॉट नल दोनों यूज़ होता था, जबकि नॉट नल लगाने पर हम यहाँ पर यूनिक डेटा मेंटेन नहीं करेंगे, मींस डुप्लीकेसी ले सकते हैं, और यदि हम यूनिक लगाते हैं तो हम यहाँ पर नल डेटा एक्सेप्ट करवा सकते हैं। देन मैंने एक कॉलम लिया है सिटी। सिटी का जो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप एंड विड्थ लिया है, दैट इज़ वेयर केयर, और इसमें 30। यहाँ पर देखिए, मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रही हूँ, दैट इज़ दुर्ग। हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट यूज़ किया है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने डाली है दुर्ग। मीन्स जब भी मैं इंसर्ट करते समय यदि इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ूंगी तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दुर्ग जो है वो अपने आप जो है वो यहाँ पर फीड हो जाएगी। इसके अलावा हम चाहें तो दूसरे डेटा भी हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं। देन मैंने एक कॉलम लिया है एज, जिसकी मैंने न्यूमेरिक डेटा टाइप लिया है, और इस पर मैं आपका, देखिए, जो कंस्टेंट लगा रही हूँ दैट इज़ चेक। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एज लिमिट ली है, एज इज इक्वल्स टू 18। दैट मीन्स जब भी मैं एज कॉलम पर वर्क करूँगी जिसका विड्थ 4 है एंड डेटा टाइप नंबर है, उस पर मैं हमेशा जो एज है वो 18 ही डालूँगी। यदि मैंने यहाँ पर ऑपरेटर इक्वल टू ले लिया है जिसके कारण आपको ऑलवेज यहाँ पर 18 फीड करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर आप ऑपरेटर जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कंस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डेटाबेस है जिस पर मैंने जो कुछ कॉलम्स लिए हैं और डिफरेंट टाइप के कंस्टेंट्स को फॉलो किया है। इस टेबल को बनाने के बाद यदि हम इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने इस टेबल को डिस्क्राइब किया तो मेरे को यहाँ पर जो आउटपुट दिखाई दे रहा है उसमें देखिए,
आपको डिस्क्राइब कमांड के द्वारा लेंथ बताई जाती है, देन उसके बाद में आपने कौन से कंस्टेंट यूज़ किए हैं वह बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी कॉलम पर मुझे प्राइमरी की पर 1 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स पर्टिकुलर आईडी कॉलम पर आपका 1 जो है वो प्राइमरी की को डिनोट कर रहा है, वहाँ पर प्राइमरी की बनी हुई है। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट पर जाते हैं डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पर और भी कोई प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किसी एक टेबल पर एक ही प्राइमरी की बन सकती है। लेकिन देखिए नेक्स्ट जो कॉलम है नलेबल, नलेबल इन द सेंस कि आप कौन कौन से कॉलम पर नल ले सकते हैं और कौन से कॉलम पर आप नल नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि सिटी जो आपने लिया था, सिटी में आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लिया था, दुर्ग। तो देखिए आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उस कॉलम पर दुर्ग दिखा रहा है, लेकिन दुर्ग जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आप वहाँ चाहे तो नल ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपने चेक किया है एज को, एज जो है वो आपका 18 होना चाहिए, परंतु आप यदि नल छोड़ना चाहें तो वह नल हो सकता है। सेम आपने यहाँ पर जितने भी कॉलम्स लिए हैं उस कॉलम के डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको पता चलता है कि कहाँ पर की बनी हुई है, किस कॉलम पर आप नल ले सकते हैं, किस कॉलम पर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, उसके आधार पर फिर हम यहाँ पर वर्क करते हैं। अब देखिए मैंने एक इंसर्ट क्वेरी करवाई है, इंसर्ट इनटू ट्राई वन मेरी टेबल का नाम है, मैंने इसमें वैल्यूज़ डाली हैं 1, 2 राजा 5000 एंड सेल्स भिलाई 18। यहाँ पर 1 जो है वह मेरा आईडी में जाएगा, 2 जो है वह मेरा डेप्ट आईडी में जाएगा, देन उसके बाद में नेम में मैंने लिया है राजा, सैलरी ली है मैंने 5000, डिपार्टमेंट लिया है सेल्स, देन सिटी मैंने ली है भिलाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिटी थी लेकिन मैंने यहाँ पर भिलाई ली है, देन एज मैंने डाली है 18। जब मैं इस क्वेरी को इंसर्ट करूँगी तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर स्पेसिफिकली इंसर्ट होगा। लेकिन अभी मान लीजिए कि यहाँ पर तो मैंने भिलाई सिटी को डाला था और मैं चाहती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर दुर्ग फिट हो, तो हमको उसके लिए इंसर्ट कमांड में पर्टिकुलर उस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर दुर्ग अपने आप फिट हो जाए। तो नेक्स्ट कमांड देखिए, इंसर्ट इनटू ट्राई मैंने लिया है ट्राई वन, देन यहाँ पर मैंने जो आपका सिटी था उसको छोड़ दिया है, सिटी को मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है इस इंसर्ट कमांड में। जब मैं इस कमांड को रन करूँगी तो सिटी में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दुर्ग जो है वो अपने आप फीड हो जाएगी। यह कमांड हम यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं, इसका आउटपुट देखिए। सबसे पहले मैंने लिया था सेल्स के हिसाब से, जो फर्स्ट रिकॉर्ड मैंने डाला था वो दिखाई दे रहा है, देन सेकंड रिकॉर्ड देखिए आपको यहाँ पर नल दिखाई दे रहा है, नल इन द सेंस कि हम यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नेम डाले थे वह हमने यहाँ पर इन्वेंट्री के हिसाब से डाला है या नल के हिसाब से डाला है वह हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन जो सिटी है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर भिलाई डाला था, वो भिलाई फीड हुआ है, देन देखिए मेरे दोनों बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वह दुर्ग आ रही है, मतलब जब इन्वेंट्री वाला मैंने रिकॉर्ड डाला है तो यहाँ पर मैंने जो कोई भी सिटी था उसका नाम नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर दुर्ग जो है वह फीड हो चुका है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक्चुअली एक और इंसर्ट कमांड यूज़ किया है, जिस पर देखिए मैंने जो है वो 3 राजा 5018 ये वाला मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। यहाँ पर देखिए फिर से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो दुर्ग आपको यहाँ पर फीडेड दिखाई दे रही है, लेकिन जो डिपार्टमेंट नेम है वह यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एक्चुअल में नल दिखाई दे रहा है। इस कमांड के द्वारा हम ये दर्शा रहे हैं कि जो डेप्ट नेम आपने कॉलम लिया था वह यूनिक था, तो वह अगर हम नल छोड़ना चाहें तो हम उसको नल यहाँ पर छोड़ सकते हैं, और यदि हम सिटी में कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमको यहाँ पर दुर्ग जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमारा जो कंस्टेंट है वो बिहेव करता है। सारे कंस्टेंट को आपने देखा कि प्राइमरी की फॉरेन की किस तरीके से वर्क करेगा, यूनिक है तो आप उसको नल छोड़ सकते हैं, यदि डिफ़ॉल्ट है तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी वहाँ पर फीड हो जाएगी यदि आप चेक करते हैं, और एज को यदि आप चेंज करते हैं तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। इस तरीके से हम अपने कंस्टेंट्स को यूज़ करते हैं। थैंक यू।